सोहन नाम का एक लकड़हारा था। एक दिन वो जंगल से लकड़ियां काटकर अपने घर को वापस लौट रहा था। रास्ते में उसे एक तपस्वी दिखाई पड़ा। कड़ी सर्दियों के दिन थे। तपस्वी ठंड की वजह से काफी थरथर कांप रहा था। स्वभाव से दयालु और परोपकारी लकड़हारे ने अपनी लकड़ियों में से कुछ सूखी लकड़ियां उसके पास जला दी। तपस्वी को बहुत राहत हुई। लकड़हारे के इस व्यवहार से खुश होकर तपस्वी ने उसको एक जादुई पत्थर दिया। उस जादुई पत्थर का रहस्य समझाते हुए तपस्वी ने लकड़हारे से कहा कि जब भी उसे पैसों की जरूरत होगी वो किसी भी पेड़ से इस पत्थर को लगा देगा और एक मंत्र जो वह उसे देने वाले हैं वह पढ़ेगा तो वह पेड़ पैसों का पेड़ बन जाए। इस तरह से वह जितने चाहे पैसे अपने लिए बना सकता है और जरूरतमंदों की मदद कर सकता है और अपने अच्छे कार्यों को निरंतर चालू रख सकता है। तपस्वी ने लकड़हारे को एक मंत्र बताया और साथ में ये भी बताया कि यह मंत्र पेड़ को पैसों के पेड़ में रूपांतरित करने के लिए कितना जरूरी। लकड़हारे ने तपस्वी का आभार प्रकट किया और वह अपने घर। लकड़हारे ने अपनी धर्मपत्नी को वो जादुई पत्थर दिखाया और सारी घटना के बारे में भी सारी बात जानकर उसकी पत्नी भी बहुत खुश हुई। अब लकड़हारे और उसकी पत्नी को जब भी पैसों की जरूरत होती थी वे दोनों किसी भी पेड़ को पैसों का पेड़ बना लेते थे और जितने हो उसके उतने परोपकार के काम किया कर। एक दिन उनके एक पड़ोसी ने उन्हें पेड़ को पैसों के पेड़ में बदलते हुए उसके मन में लालच आ गया। एक रात उसने वह पत्थर चुरा लिया। उसने पत्थर को किसी पेड़ से लगाया और इंतजार करने लगा कि वो पैसों का पेड़, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे मंत्र के बारे में भी पता नहीं था। दूसरी तरफ लकड़हारा परेशान था। उसने पूरे घर में पत्थर को ढूंढा लेकिन उसे कहीं भी वो नहीं मिला। परेशान होकर तपस्वी के पास पहुंचा। तपस्वी ने अपनी शक्ति से चोर का पता लगा लिया। पत्थर उस लालची पड़ोसी के पास था। लालची पड़ोसी ये सोच कर पागल हो गया कि पत्थर काम क्यों नहीं कर रहा। कढ़ारे ने उस पत्थर को वापस पाया और तपस्वी को लौटा दिया और अपनी मेहनत से जितना संभव था उतना दान धर्म का काम करते रहा। इसलिए कहते हैं कि चोरी करना बहुत बुरी बात है और अधूरा ज्ञान और जानकारी काफी हानिकारक होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें।